लालू परिवार के अंदर जो कलह की स्थिति बनी हुई है वो जग जाहिर है। ऐसे में तेज प्रताप यादव जब 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास रहने पहुंचे हैं तो कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर जो डैमेज हो गया है उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अब मां के पास तेज प्रताप यादव है। वहीं दूसरी तरफ ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जो सरकारी बंगला आवंटित है उसमें अब तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री यादव के साथ रहने जा रहे हैं। बहरहाल अब जो बिखराव है परिवार के अंदर वो बाहर नज़र आ रहा है और अब पूरे डैमेज को कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी है वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कंधों पर है। और यही कारण है कि जो विश्वसनीय सूत्र हमारे हैं वो बताते हैं कि लालू यादव ने साफ तौर पर ये बात और ये अल्टीमेटम तेजस्वी यादव को दे दिया है कि जब तक वो पटना नहीं आते उससे पहले कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाए जिससे ये मैसेज जाए कि परिवार में टूट है। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव को रोकने के लिए लालू प्रसाद यादव ने साफ संकेत दे दिए हैं कि हर एक जो दिक्कतें हैं उसकी उपाय जो है वो की जाएगी। लालू यादव सजा याफ्ता हैं और हाल के समय में उन्हें जो बेल है वो दिया गया है। फिलहाल राजद सुप्रीमो दिल्ली के एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं और यही कारण है कि जो फैसला बेल को लेकर कोर्ट ने दिया उसकी कॉपी जैसे ही निचली अदालत में जाएगी उसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बाहर आएंगे। और जो अब इस वक्त अंतर्कलह पार्टी और परिवार के अंदर चल रहा है उस अंतर्कलह को मिटाने की जो कवायद है उस पर चर्चा करेंगे। बता दें आपको कि तेज प्रताप यादव के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा और ये आरोप पार्टी के एक नेता हैं रामराज यादव उनकी पिटाई का था। बंद कमरे में उन्हें पीटा गया था, ये आरोप रामराज यादव ने लगाया था। इसके साथ ही पिटाई की वीडियो जो थी वो बनाई गई थी। इससे जुड़ा सवाल जब तेजस्वी यादव से पूछा गया था तो तेजस्वी यादव बचते नजर आए थे, लेकिन अब ये सवाल बड़ा है कि अगर तेज प्रताप यादव इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी को इससे नुकसान हो रहा है और तेजस्वी यादव कतई इन चीज़ों को नहीं बर्दाश्त करेंगे क्योंकि ए टू जेड के फॉर्मूले पर चर्चा करते हैं तेजस्वी यादव। और अगर पार्टी के अंदर ही अपने पार्टी के नेता पिट जा रहे हैं तो तेजस्वी यादव कैसे न्याय करेंगे ये बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव साफ तौर पर चाहते हैं कि इस बार जो घटना हुई है जो आरोप तेज प्रताप यादव के ऊपर लगा है उसको ध्यान में रखते हुए तेज प्रताप यादव के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तेज प्रताप यादव जब अब 10 सर्कुलर रोड रहने आ गए हैं तो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो वहां से अलग रहें। और अब पूरे प्रकरण पर लालू यादव अपनी निगाहें लगाए बैठे हैं और जब वो पटना आएंगे तो इन तमाम चीज़ों का जो उपाय है जो रास्ता है वो भी निकाला जाएगा। बहरहाल राबड़ी देवी दोनों ही बेटों के साथ हैं और वो भी चाहती हैं कि तेजस्वी यादव और राजश्री यादव 10 सर्कुलर रोड में ही रहें, पोलो रोड ना जाएं। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।